फ्रेंड्स, अगर आप एक है सीरियस जॉब एस्पिरेंट तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। फाइनली फ्रेंड्स, वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2019, 100 से ज़्यादा मार्क्स वाले वायरल स्कोर कार्ड पर भारतीय रेलवे ने दी सफाई। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या सफाई दी है वो हम पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को बने रहिएगा, अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आपको रेलवे की सभी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं, जो जो अपडेट आती रहती हैं सभी आपको बताता रहता हूं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं और बात करते हैं इस भारतीय रेलवे ने क्या मतलब सफाई दी है रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर जो वायरल हो रहे हैं स्कोर कार्ड। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये लाइव hindustan.com पर प्रकाशित की गई है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा अपडेट यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर वायरल स्कोर कार्ड पर भारतीय रेलवे ने दी सफाई, ठीक है। क्या सफाई दी है वो इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप सबसे पहले डेट को देख लीजिएगा, आज की न्यूज है 7 मार्च है और आज की न्यूज 8:53 की न्यूज है। बिल्कुल अभी आधा घंटा भी इस न्यूज को नहीं हुआ है पब्लिश हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे भारतीय रेलवे ने क्या कहा कि ग्रुप डी परीक्षा के एक अभ्यर्थी के सोशल मीडिया पर वायरल हुए मार्कशीट में छेड़छाड़ की गई है। इस मार्कशीट में दिखाया गया है कि ग्रुप डी की परीक्षा के एक अभ्यर्थी को परीक्षा के विभिन्न खंडों में मिले अंक 100 से 109, 148, 102, 103, 354 हैं। रेलवे मंत्रालय ने एक ट्वीट करके छात्रों से अनुरोध किया है कि वे शरारती तत्वों से भ्रमित ना हों। भारतीय रेलवे भर्ती प्रणाली पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। इस परीक्षा के जरिए 62,907 पदों में भरा जा रहा है। इसके लिए 1.8 करोड़ अभ्यर्थी ने स्वयं को पंजीकृत करवाया। परीक्षा का परिणाम रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर रेलवे जो मंत्रालय है, ठीक है, रेलवे मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसमें रेलवे मंत्रालय ने ये कहा है कि जो है रेलवे भर्ती बोर्ड पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है। ये शरारती है, लेकिन ये इसको जो बता रहे हैं कि एडिट किया गया है, बिल्कुल रेलवे से ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई है, पूरा हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख पाना, ये रही वो मार्कशीट यहाँ पर, ठीक है, बेंगलुरु जोन की मार्कशीट है। यहाँ पर सौरव कुमार नाम है, 92.50 इसके मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। आप यहाँ पर जो ट्वीट किया है रेलवे मंत्रालय ने, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रेलवे मंत्रालय का ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बैच लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, ये ऑफिशियली है। यहाँ पर बताया गया है कि ए कैंडिडेट स्कोर सीट विद द वेरी हाई स्कोर बीइंग मेड वायरल, प्लीज नोट दैट दिस स्कोर सीट इज द मोरफील्ड, द करेक्ट स्कोर सीट इज द गिवन बिलो, प्लीज डोंट बी मिसगाइड्स बाई अनस्क्रूपल्स एलिमेंट्स, इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट सिस्टम इज द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो बनाया गया है, वायरल किया जा रहा है, ठीक है, ये गलत है, लेकिन जो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ठीक है, वो सही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर जो है हम मानते हैं कि एक जो है सही है, लेकिन जो अदर जैसा कि अदर मार्कशीट हैं, ठीक है, जो हमने आपको कल भी चेक करके बताई थी, जिसमें 100 से ऊपर मार्क्स जा रहे हैं। फाइनली वैसे तो रेलवे ने ये कल एक नोटिफिकेशन मैंने वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराया है, जिसमें रेलवे बोर्ड ने ये साफ साफ बोला, ऑफिशियली नोटिफिकेशन पब्लिक किया गया था, मैंने बताया था आपको कैसे डाउनलोड करना है, ऑफिशियली वेबसाइट पर रेलवे जोन की पब्लिश किया गया, उस पर साफ साफ ये बोला जा रहा है रेलवे द्वारा कि जो जितने मार्क्स हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उससे जो है ऊपर जा सकते हैं नंबर, इसमें कोई भी संजय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रेलवे का ये कहना है, क्योंकि मैंने कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाया होगा, चलिए मैं अभी भी वो नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें रेलवे ने साफ साफ बोला है कि जो देख सकते हैं आप, ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट कैन बिकम मोर देन द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम पेपर। यहाँ पर रेलवे ये साफ साफ बोल रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर जितने नंबर का टोटल नंबर का है, नॉर्मलाइजेशन में उसका जो है ऊपर नंबर है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, तो उससे ऊपर भी नंबर जा सकते हैं, ये रेलवे का कहना है। कल का नोटिफिकेशन है, 6 मार्च न्यू दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। साथ ही रेलवे ने यह भी बोला है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मेथड है वो 19 साल से चल रही है, यानी 2000 से चल रहा है, ठीक है, तो 19 साल से प्रक्रिया चल रही है, एक ही प्रक्रिया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो रेलवे का तो ये कहना है फ्रेंड्स। तो फाइनली इतना अपडेट था इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे की हर अपडेट वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। धन्यवाद उस वीडियो देखने के लिए।